बनी रहेंगी पटना नगर निगम की मेयर, अविश्वास प्रस्ताव खारिज। नमस्कार, न्यूज फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू बनी रहेंगी। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 2 पार्षदों ने मतदान किया। मेयर सीता साहू के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 2 वोट पड़े, जबकि विरोध में 10 सदस्यों ने मतदान किया। अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में 32 पार्षदों ने हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि पटना नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 75 है। मेयर के विरोधी गुट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन नहीं जुटा पाया। अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक नगर निगम के बाकीपुर अंचल कार्यक्रम में। नगर निगम के 26 पार्षदों ने 29 जून को मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। निगम एक्ट का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ये परंपरा रही है, वैसे ये होना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, महापौर महोदय के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में जो काम हुए हैं पटना का, आम शहरी आम पार्षद इस बात को महसूस कर सकता और कर रहा है। बावजूद इसके कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और हम उसका सामना करने के लिए तैयार है। और पूरी तरीके से हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे पार्षदगण जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्षद आज हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, मैडम के वक्तव्य के बाद मैडम जब आश्वस्त करेंगे और हम सदन का जब विश्वास जीत लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग हमारे पक्ष में होंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो 26 लोग आपके मजलिस में आए हैं जी, उसमें 23 ऐसे लोग हैं जो डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि हो सकता है जिस तरह से डिप्टी मेयर से असंतुष्ट रहे होंगे, हो सकता है हमसे भी वो असंतुष्ट हैं, मैडम के कार्यशैली से असंतुष्ट रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और हम इस सदन के माध्यम से हम उनको विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम उनका विश्वास जीत पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि कुर्सी के खेल में जो बाहर में जो काम होना चाहिए था वो सब नहीं हो पा रहा है? विकास कार्य निश्चित तौर से जो इस तरह की परंपराएं हैं उसकी वजह से काम बाधित तो होते हैं, इसमें इसको सहस्त्र हम भी स्वीकार कर सकते हैं। ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। जब इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जब 5 साल के लिए मेयर की कुर्सी पर बैठा है तो हम तो समझते हैं कि इसमें एक्ट में भी संशोधन होनी चाहिए कि जब एक इलेक्टेड मेंबर है तो उनको 5 साल तक मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि एक्ट में इस तरह का प्रावधान है और इसका फायदा उठा करके कई लोग जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाते हैं, तो हम चूंकि ये परंपरा है तो उसका हम निर्वहन करेंगे और उसको उनका हम जवाब देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।